स्वागत है दोस्तों, आप लोग कब वापस से GTA 5 की दुनिया में। तो आज के दिन हम लोग GTA 5 के अंदर पेपा पिक को खोजने वाले हैं। खराब हो जाएगा मैं हाँ, आज के दिन हम लोग सुअर को खोजने वाले हैं। वैसे इसका नाम काफी अजीब है, पेपा पिग, पर कोई नहीं, आज के दिन मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इसे किसी भी तरह खोजने के लिए। तो चलो फटाफट से शुरू करते हैं। स्वागत है दोस्तों आप लोग का लॉस सैंटोस की दुनिया में। तो हाँ, आपने सही सुना, हम लोग एक कर्स्ड पेपा पिग को खोजने वाले हैं, वो भी इस GTA 5 के अंदर। तो हम लोग उस पेपा पिग को खोजने के लिए इस लॉस सैंटोस के सबसे ज्यादा स्केयरी जगह पे आ चुके हैं। यहाँ पे लोग लिटरली पागल हैं। यहाँ पे आपको कुछ भी दिख सकता है, खून खराबा, जॉम्बी और बहुत सारा पागलपन। तो मेरे ख्याल से मेरा बिग ब्रेन ये कहता है कि पेपा पिग यहाँ पे हो सकता है। तो चलो फटाफट से उस टेस्टी करेक्टर को खोजते हैं। ऑल राइट दोस्तों, ये देखो, ये रहा पहला घर। चलो तो मेरे प्यारे डिटेक्टिव फ्रैंकलिन, अपने फुल पावर में आ जाओ, चलो पेपा को खोजते हैं। मम्मी मम्मी, ये क्या, ये कैसा इलाका है दोस्तों, यहाँ पे खून है, ओ माय गॉड। और एक सेकेंड, अबे इन्होंने अपने घर पे एक लाश को टांग दिया है, ओ माई गॉड। ये जगह सही में लॉस सैंटोस की सबसे ज्यादा खतरनाक जगह है, पर मेरे को यहाँ आसपास कहीं भी पेपा पिग नहीं दिख रहा है। ओ पेपा पिग, पेपा पेपा, अच्छा ठीक है, फालतू हरकत कर रहा हूँ। ऑल राइट दोस्तों, ये देखो, ये रहा सेकेंड घर। चलो पेपा अपनी बच्ची को, नहीं अपनी लड़की को यहाँ पे खोजते हैं। यो मैन, तुमने पेपा को देखा है, वो काफी फेमस है और उसकी वजह से मेरे को व्यूज भी मिलेगा। नहीं नहीं, मैंने यहाँ पे किसी पेपा जैसी नाम की लड़की को नहीं देखा है, तुम भाड़ में जाओ यहाँ से। ओए ओए ब्रो, औकात में बात कर ले, तो जानता नहीं है मैं कौन हूँ। और हाँ, ये देख ले, गन है मेरे पास। गन है तो क्या, भाड़ में जाना, मैं क्या करूँ, सारी उम्र में जोकर। अच्छा हाँ, मेरे को अभी याद आया, ये जगह ही काफी अजीब है, मैं यहाँ पे पंगा नहीं लेता हूँ। क्या मतलब मेरी फट गई, नहीं ऐसी बात नहीं है, बस मेरा मन नहीं है। हाँ तो चलो हम लोग पेपा को खोजते हैं। ओके दोस्तों, चलो फटाफट से अपनी प्यारी पेपा को आगे खोजते हैं। और आई, ये बंदा यहाँ पे नंगा क्या कर रहा है दोस्तों। ऑल राइट दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं हमारे सामने एक एरोप्लेन भी है, एयर इमू नाम है इसका। काश मैं रियल लाइफ में इसके अंदर बैठ पाता, पर मैं तो गरीब हूँ। अच्छा कोई बात नहीं, हम लोग अपनी गरीबी को साइड में करते हैं, हम लोग पेपा पिग पे फोकस करते हैं। वैसे मेरे ख्याल से ये घर काफी नॉर्मल होगा, चलो फटाफट से इस नॉर्मल घर में चलते हैं, इकलौता नॉर्मल घर। ये मैं क्या देख रहा हूँ सुबह से, ये मैं कौन से इलाके में आ चुका हूँ, ये पूरा का पूरा नेबरहुड सही में इस लॉस सैंटोस का सबसे भूतहा और अजीब नेबरहुड है। और ये क्या है, यहाँ पे एक इंसान का पैर भी नहीं है, पर मेरे को डर नहीं लग रहा, ये हिल भी सकता है। नहीं 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 नहीं, मैं यहाँ से निकल रहा हूँ दोस्तों। ऑल राइट नल्ले जोकरो, क्या हाल चाल है। तुमने आवाज सुना, ये कितने अजीब तरीके से हंस रहे हैं। नहीं नहीं मैं नहीं, माफ करना गुरु लोग, माफ करना। ऑल राइट, ये तो गर्ल डॉक्टर है। हेलो मैम, कैसी है आप। मैं तो ठीक हूँ, क्या मैं तुम्हारा दिल ले सकती हूँ। अरे मैम क्या बात कही आपने, मेरा दिल आपके पास ही तो है। अच्छा ठीक है, तो मतलब मैं आपका दिल ले सकती हूँ। ठीक है, एक चाकू ला दीजिएगा जरा, ताकि मैं आपका दिल निकाल सकूँ। अबे मैं तो इसे रोमांटिक समझ रहा था, ये तो मेरा असल में पूरा दिल ही निकाल के बाहर फेंकना चाहती है। ऑल राइट चलो आगे चलते हैं। और यहाँ पे और सब कुछ तो सही है,
हमारे सामने जॉम्बी सुट्टा फूक रहा है। अबे ओए सिगरेट खराब होता है हेल्थ के लिए, ओए सिगरेट खराब होता है हेल्थ के लिए, शराब पिया करो वो सही होता है। तो दोस्तों मैं तो इस नेबरहुड के अंदर पेपा पिक को खोजते खोजते थक गया, मेरे को पेपा पिक कहीं भी नहीं दिखी है। वैसे ये कार काफी मस्त है, आपको कोई देख भी नहीं रहा है, धीरे से निकाल लेता हूँ कि सही पता चलेगा। तो दोस्तों हमने बेसिकली इस कार को चोरी कर लिया है, पर वो मैटर नहीं करता है, मैटर ये करता है कि पेपा पिग असल में कहाँ है। तो हमें उस भूतहा नेबरहुड में तो पेपा पिग नहीं मिला। एक सेकंड, मेरे पास एक बहुत शानदार आइडिया आया है। लॉस सैंटोस के अंदर एक ऐसा घर भी है जो कि लॉस सैंटोस का सबसे ज्यादा स्केरी घर है, और ऐसा हो सकता है कि वो घर के अंदर पेपा पिग रहती हो। तो चलो मेरे फ्रैंकलिन, चलो फटाफट से उस भूतहा घर पे चलते हैं, मेरे ख्याल से हमें पेपा पिग वहां पे मिल सकती है। यो क्या बात है भाई, ये वाली कार की स्पीड एकदम नेक्स्ट लेवल है। मैंने लगे हाथ एक अच्छी कार चोरी कर ली, पर कोई नहीं, हम लोग उस हॉरर घर को खोजते हैं। यार वो कहाँ गया, मेरे को उसका लोकेशन याद नहीं आ रहा। एक सेकंड, यही तो है भाई वो घर। ओ माय गॉड, हम लोग उसके लिटरली सामने खड़े हैं। ऑल राइट, चलो फ्रैंकलिन इसे यहाँ पे पार्क करते हैं। तुमने वो आवाज सुना? ये कौन सा लैंग्वेज था? पर दोस्त मेरे को बहुत डर लग रहा है, वो आवाज काफी स्केरी था। पर हम लोग तो एक सिग्मा और गीगा चैड हैं, हम लोग ये सब छोटी मोटी चीज से नहीं डरते। चलो फटाफट से घर के अंदर चलते हैं। ऑलराइट, चलो अंदर चलते हैं। आए ये क्या, अबे ये दरवाजा लॉक है क्या? चल खुल जा सिम। यो ओ माई गॉड, ये दरवाजा तो लॉक है, मैं तो डर गया। मेरे पास दोस्तों स्टिकी बुम बुम है, या बुम बुम, अच्छा ठीक है नौटंकी कम करता हूँ। फटाफट से स्टिकी बम को यहाँ पे लगाते हैं, एक और यहाँ पे लगाते हैं। क्या बात है फ्रैंकलिन, चलो थोड़ा सा दूर हट जाते हैं। ऑल राइट, 3, 2, 1 लेट्स गो। ओ माय गॉड, क्या बात है दोस्तों, ये इसी बात पे लाइक हो जाए। क्या मतलब तुम आलसी हो, लाइक नहीं कर सकते? अच्छा ठीक है, चलो फटाफट से घर के अंदर चलते हैं। अब तो दरवाजा भी खुल चुका है। पेपा पेपा मेरे दोस्त, नहीं वो मेरा दोस्त नहीं है, कुत्ते की तरह मारेगा मेरे को। पर हाँ वो किधर है, मैं उसे बुलाने की कोशिश करता हूँ। पेपा, अबे ये कौन सा जवाब दे रही है, कितना डरावना है। ओके वो साउंड स्केरी था, और एक सेकंड मेरा दिमाग लोड कर रहा है दोस्तों। ये कप प्लेट हवा में कहीं उड़ रहा है, आई डोंट नो। ऑल राइट पेपा किधर हो, और एक सेकंड, ऑल वेपन्स रिमूव्ड, ये क्या लिखा है? आए अबे मेरे पास इतने सारे गन थे, तुमने अभी देखा ना, और पेपा ने अपने जादू से सारे गन को गायब कर दिया। भाई वो कितनी ताकतवर है। ओ सेट, भाई मेरी और फट रही है, और तुमने वो अजीब सी हंसी सुनी? ये यार मैं क्या करूं, मैं उसे मारूंगा कैसे, उसने मेरे सारे गन को गायब कर दिया। ओ माई गॉड, यार मैं तो थक गया पेपा पिग को खोजते खोजते, इतना मेहनत तो दोस्तों मेरे को अपनी खुशियां खोजने में भी नहीं लगा था। यार पेपा मेरे बॉडी को देख के तुम कहाँ छुपी बैठी हो, मैं तुम्हें खोज रहा हूँ। और ये क्या है यार, ये कितनी स्केरी है। रुको हम लोग उससे अच्छे से देखते हैं। पर फ्रैंकलिन मेरे दोस्त संभल के आए दोस्तों, ये क्या है, पेपा पिग शायद से मेरे को मारना चाह रही है क्या, उसके हाथ में चाकू है। पर ब्रो मेरे को लगता नहीं है तुम्हारे अंदर इतना औकात है।
अब तू गया बेटा, अब तू गया, देख तेरी औकात मैं दिखाता हूँ तुझे। अरे अरे ये क्या भाई, ये मेरे को मारने हमारे एकदम सामने आ चुकी है। ओ माई गॉड, ओ माई गॉड, मेरी पूरी तरीके से हालत खराब है। बच के फ्रैंकलिन, चल 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 यहाँ से भागते हैं। किधर भागे किधर भागे, एक सेकंड, ये रास्ता तो खुला है। क्या बे पेपा पिग, बाय बाय, भाड़ में जा। हम लोग तो यहाँ से निकल रहे हैं। क्या मतलब मैं डरपोक हूँ इसलिए भाग रहा हूँ? ऐसी बात नहीं है, हम लोग सेफ्टी पर्पज के लिए यहाँ से निकल रहे। ये रही मेरी खतरनाक सी कार, इसे बैक करते हैं और यहाँ से निकलते हैं। वैसे कुछ भी कहो दोस्तों, वो पेपा पिग थी काफी स्केयरी, पर मैं उससे नहीं डरा। हाँ मैं बिल्कुल भी नहीं डरा। चलो कोई नहीं, अब मस्त घर चलते हैं। आज का दिन एडवेंचरस था। और ये हमारे सामने कैसे आ गई? ये तो घर पे थी ना। ओ माई गॉड फ्रैंकलिन, पर आज तो मैं इसका किस्सा खत्म करके रहूंगा। ये मेरा ही किस्सा ना खत्म कर दे। बच के ये ले घुसा। क्या बात है, एक और घुसा। ये ले भाड़ में जा। बहुत सही फ्रैंकलिन, बहुत सही। ये क्या ये मर गई? यस, क्या बात है। लाइक करो अभी तक ना किया हो तो। हमने इसे मार दिया है, मजा आ गया बड़े लोग। वैसे दोस्तों आपको तो याद ही होगा कि पेपा पिग ने हमारे सारे गन को गायब कर दिया था। तो चलो फटाफट से गन भी ले लेते हैं, क्योंकि वो गैंगस्टर ही क्या जिसके पास गन न हो। हाँ, मैंने अच्छी शायरी बोली है, बस ज्यादा तारीफ मत करो। तो हम लोग फटाफट से चलो गन लेते हैं। ऑल राइट दोस्तों, तो इसी के साथ हमने सारे के सारे गन के कलेक्शन को वापस से ले लिया है। ऑल राइट, चलो फटाफट से कार के अंदर बैठते हैं। और यार मैंने दिन भर कुछ ज्यादा ही मेहनत कर लिया है, तो चलो अब मैं मस्त 10 घंटे सोने वाला हूँ। हाँ तो चलो कार को यहाँ से बाहर निकालते हैं। ये क्या हो रहा है? आए भाई रुको, भाई मैं सपना तो नहीं ना देख रहा हूँ? हमारे सामने कितने सारे, लिटरली कितने सारे पेपा पिग आ चुके हैं। भाई कितने कर्स्ड पेपा पिग इस दुनिया में, आई डोंट नो, पर ये सभी बहुत खतरनाक हैं। और शायद से ये सब मेरे को मारना चाहते हैं, पर भाई मैं सिग्मा हूँ और मैं भाग नहीं सकता। चलो फटाफट से सबको मारते हैं। ऑल राइट पेपा पिग, मेरे ख्याल से तुम लोग मेरे को मारना चाहते हो, पर इतना आसान नहीं है अपन को मारना। अपन हीरो है। अबे मैं मजाक कर रहा हूँ, इतना जल्दी मत मारना शुरू करो। पर चलो कोई नहीं, फटाफट से गन लेते हैं। अबे नल्ले, मैदान में से बाहर निकल। वो गायब हो गया। अबे इस दुनिया में क्या क्या चल रहा है। पर चलो कोई नहीं, पेपा पिग पे फोकस करते हैं। ये अरे फ्रैंकलिन संभल के होश में आ जल्दी। ओ सेट, मैंने गलत पंगा तो नहीं ना ले लिया? ये ले ओ भाई हमारी हेल्थ कम हो रही है। ओ सेट, फ्रैंकलिन मेरे दोस्त, हमारा स्क्रीन ब्लैक हो गया। ओ सेट, मेरे ख्याल से मैंने गलत पंगा ले लिया और हमारा दोस्त बेहोश हो चुका है। A few moments later. अरे यार फ्रैंकलिन, ये हम लोग कौन से जगह पे आ चुके हैं? लग रहा है मेरी बहादुरी कुछ ज्यादा ही महंगी पड़ गई। पर दोस्त प्लीज यार तू होश में आ, ऐसे हम लोग हार नहीं मान सकते। और यस अब जाके अच्छा लग रहा है। चलो कम से कम हम लोग होश में आ चुके हैं। पर एक सेकेंड, इन सब पेपा पिग ने हमें किसी एक जेल के अंदर बंद कर दिया है यार। ओहो, हम लोग यहाँ से बाहर भी नहीं निकल सकते। ये तो हमारे साथ मोए मोए हो गया दोस्तों। ये देखो,
ऑल राइट दोस्तों, फिर हमें यहाँ से बाहर निकलने के लिए अपना बिग ब्रेन एक्टिवेट करना ही पड़ेगा। हाँ, मेरे पास बिग ब्रेन है। तुम लोग देख सकते हो यहाँ पे गैप है, मे बी हम लोग इस पे चढ़ सकते हैं। और ये नल्ले हमें देख नहीं रहे हैं, यही मौका है, लेट्स गो। क्या बात है फ्रैंकलिन, बहुत सही, चलो जंप करते हैं। ऑलराइट, यही बहुत सही दोस्तों। तो हम लोग उस जेल में से बाहर निकल चुके हैं, पर मैं उन्हें इतने आसानी से नहीं छोड़ने वाला हूँ, मैं भी उन्हें कुत्तों की तरह मारूंगा। ऑलराइट दोस्तों, मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ इनकी बैंड बचाने के लिए। तुम्हें तो पता ही होगा हमारे पास ये गन कलेक्शन है, और उन्होंने इस बार इस गन कलेक्शन को गायब भी नहीं किया है, तो ब्रो लोग। ऑल राइट दोस्तों, हम लोग सबसे पहले इस स्नाइपर चलाने वाले हैं। मेरे को इंतजार नहीं हो रहा इन्हें कुत्तों की तरफ पीटने के लिए। ऑल राइट, चूक कैसे गया निशाना वापस से। ऑल राइट, ओके, किसी को पता नहीं चला है कुछ खास, शायद से ये लोग बहरे हैं, पर कोई नहीं, नीचे उतरते हैं। पर सेट, इन्होंने हमें देख लिया है, हमें फटाफट से ये अपना आरपीजी निकालना होगा, और बूम बम, ये एक और बूम बम, ये ओके दोस्तों, तो हमने इस तरह से सारे के सारे पेपा पिक को मार दिया है। इन्होंने काफी परेशान किया था, पर कोई नहीं, आखिरकार जीत हमारी हुई। तो चलो, अभी तक लाइक न किया हो तो लाइक कर दो, और आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए पीस।